संविधान संरक्षण समिति बीदर और उसी के नेतृत्व में बसोकल्याण में बनाए जाने वाली कमेटी के तहत बसोकल्याण में एक बहुत ही इंतहाई अहम प्रोग्राम, एक जनसभा 26 जनवरी 2021 को अक्का महादेवी ग्राउंड बसोकल्याण में आयोजित की गई है। इस प्रेस मीट के माध्यम से हम सबसे पहले पूरे भारत जगत के लिए 72वीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं मुबारकबाद पेश करते हैं। कर हो रही है और ये अपने हक के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक और चीज़ भी कि आए दिन रिजर्वेशन को हटाने की बात कही जा रही है और इस संविधान से कोई सेकुलर हटाने की बात कह रहा है और कोई संविधान बदलने की बात कर रहा है और कोई संविधान को जला रहा है। ऐसे में संविधान की शपथ लेकर, दस्तूर की कसम लेकर, दस्तूर ही के रक्षक करने वाले आज उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस मौके पर हमारा ये जो इजलास, हमारा जो ये अज़ीम-उश्शान जलसा जो 26 जनवरी 2021 को अक्का महादेवी ग्राउंड में हो रहा है, इसमें बहुत ही अहम मुखरिर आ रहे हैं। साबिका चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धरामैया जी, जो इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, इन्होंने बहुत से मौके पर जो आहिंदा से जुड़े हुए हैं, इस आहिंदा की इस मोमेंट के साथ वो अपना एक पैगाम हम सबको देना चाहते हैं। साथ ही साथ महमूद पराचा जी और सुषमा अंदारे जी और पूना से, और साथ में हमारे एक और अहम जो दलित बैकवर्ड माइनॉरिटीज सबके चहेते और प्रीते आनंदराव राज अंबेडकर जी हमारे इस प्रोग्राम में हाजिर हो रहे हैं। लिहाजा मैं अवामुन्नास से पुरखुलूस अपील करता हूं कि वो इस जलसे में शरीक होकर हम सब लोगों के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और सोशलिस्ट के लिए, रिपब्लिक के लिए हम जो दिन मना रहे हैं, उस दिन का उल्लास, उस दिन की उस रूह को समझने आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इस संविधान की एक ख़ास खूबी यह है कि वचनों के साथ बहुत मेल खाता है, तो वचन साहित्य और संविधान ये दोनों हमारी एक ही चीज़ है, एक दूसरे से बड़ा इसका ताल्लुक है। सब में जो वचन साहित्य में भी सबको सम्मानता दी गई है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सबको सम्मानता और सबको राइट देता है। इस लिहाज से हम इस दोनों बातों को, इस दोनों के विचारों को एक जगह रख कर हम पूरे जगत में इसका चर्चा करना चाहते हैं। इस लिहाज से हम फिर एक मरतबा इस प्रोग्राम में आपके माध्यम से तमाम लोगों तक ये संदेश पहुंचाए और हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने की, विशिष्ट करने की आपसे विनंती की जाती है।